स्माइल से कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको टमाटर सॉस के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे से लेकर बड़े तक इसको खास अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल में नया था चैनल को सब्सक्राइब। ऊपर से कच्ची अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। ये देखिए कितना पंची लग रहा है। घर कनकलता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोटैटो स्माइल। पोटैटो स्माइल के लिए सो सामग्री चाहिए। चार बॉयल आलू ले आए, ये अभी गर्म है। टर 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च, 2 चम्मच मैदा। छाननी के ऊपर आलू इस तरह रख देंगे और इसको इस तरह फिर मैश कर देंगे। चम्मच से हम प्लेन करते रहेंगे। आलू प्लेन होकर नीचे जाएगा। ये देखिए इस तरह बहुत अच्छा प्लेन आलू होगा। गरम गरम आलू को इस तरह करना। फिर सारा आलू को छाननी से प्लेन करते हैं। मैदा आलू से एक डू तैयार करेंगे। मैंने गैस कवर पैन रख दिया। इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे, गार्लिक फ्लेवर दे सकते हैं, हरा प्याज भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। इसमें ये मैदा डाल देंगे और इसको इस तरह मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए मैदा का डो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और इसको 1-2 मिनट इस तरह भून लेंगे। इस तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम स्लो रखें, नहीं तो आलू मैदा कलर चेंज हो जाएगा। ये डो तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। हल्का गर्म है, इसमें एक कॉर्नस्टार्च डाल देंगे। नमक 1 चम्मच डालेंगे। हाथ से अच्छा से गूंथ लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे। इस तरह अच्छा से मसल लेंगे। मिक्स हो चुका है। अब हम इसको गोला बना लेंगे। इस तरह गोला बना लेंगे। गोला आपको पसंद हिसाब से बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। स्माइल बनाएंगे, एक गोला लेंगे, इस तरह गोल कर देंगे और इसको इस तरह चपटा कर देंगे। एक चकले का ऊपर थोड़ा सा तेल इस तरह लगा देंगे तो इस तरह थोड़ा सा कर देंगे। इसका आप बनाएंगे, एक टूथपिक लेंगे, इसका आकर इस तरह बनाएंगे। नहीं तो आप एक पैन को अच्छा से धोकर इसका आकर बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह बनाना है। के लिए थोड़ा सा तेल में इस तरह चम्मच डीप कर दीजिए। ये देखिए इस तरह एक पोटैटो स्माइल तैयार हो चुका है। इस तरह गोल कर देंगे। ये देखिए इस तरह करना है। ठीक है, नहीं तो एक पैन से आप इस तरह इसका आग बना सकते हैं। थोड़ा सा तेल में उसको डीप कर दीजिए। चम्मच से इस तरह का स्माइल दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह हम सारा बना लेंगे। स्माइल तैयार हो चुका है। अब हम इसको तेल लग दिया था, तेल गर्म हो चुका है। फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम में इसको तलेंगे। अब हम स्माइल इसमें डालेंगे। इसको फ्रोजन करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद इसको इस तरह निकल कर ठंडा करके एयर टाइट डब्बा में रख दीजिए। बाद में इसको यूज करिए। इसको पलट देंगे। इसको हाई फ्लेम में तलना है। तो इस तरह उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। हम ब्राउन कलर होंगे तो हम कर लेंगे, फ्लेम हाई रखेंगे। ये गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, ये तल चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। सारा तल लेंगे, हाई फ्लेम में इसको तलना है। ये गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल। पोटैटो स्माइल तैयार हो चुका है। आप इसको घर पर बनाकर खाइए, एंजॉय कीजिए। टमाटो सॉस साथ है, बहुत अच्छा।